हाय। ये माया जो है ना, ये है चलाकू। अच्छा सॉरी, नहीं आप नहीं हो चलाकू, आई एम सो सॉरी। ये आती है, यहाँ इसकी ट्रीट्स रखी हैं और ये मुझे पटाती है। अच्छा पटाती नहीं है, बहुत जेन्युइन प्यार करती है। हाँ कह रही है ये सही है, और फिर वो कहती है कि मुझे ट्रीट्स दो। आप इसलिए आई हो या फिर गोद में भी? नहीं नहीं लेकिन गोद में भी आती है ये यार ऐसी। हाँ मैं बहुत आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे। By the way, I have a news for you. अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसे अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है K1.game, और इसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में नजर आएगा आपको। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो इसको क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप अपने जीमेल से भी और अपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आपको 600 रुपीज का एडेड बोनस भी मिलेगा, और अगर आप वीक में 4 बार डिपॉजिट करते हैं तो 36,000 तक आप जीत सकते हैं। एंड एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे एजेंट भी बन सकते हैं एंड एजेंट बन के भी पैसे कमा सकते हैं। और डिपॉजिट करना यहाँ पे बहुत आसान है, आप इजी पैसा यूज कर सकते हैं, जैज कैश भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जाएं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करें एंड जीतें बहुत सारे इनाम। माया आपको गोद में आना है, आ जाओ फिर। क्यूरी पाए तो फिर आ जाओ, आओ। Yes, Shanu. Okay. Why don't you come here? Shanu, मैंने ब्लैक शर्ट अभी पहनी है, चेंज की है। But it's okay. मैं ले लेती हूँ आपको गोद में, आ जाओ। क्यूटी क्या कह रही हो? So हमने रात में बाहर जाना है, मेकअप करने लगी हूँ, उसके बाद मैं नेल कलर लगाऊंगी। ये दो स्टिक्स हैं क्राइलॉन की, और एक का जो शेड है वो है 303, और ये है बेसिकली कलर करेक्टर ऑरेंज कलर का, और ये 38 है। मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। सो ये 38 है ये वाली, और ये वाली जो है ये ऑरेंज है, कलर करेक्टर है, आइज़ के नीचे लगती है, लिप्स के आसपास लगती है। और ये जिस दिन स्टिक्स मेरी ख़त्म हो जाएंगी ना, उस दिन मैं इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। ये ट्विटर मैंने मंगवाई है, ये बस समझ नहीं आ रहा मुझे ये अपला। असल में ये एक बड़ी वायरल टाइप की चीज़ चली थी, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि मैं सही से लगाती हूँ, सही ब्लेंड नहीं होती मुझसे। सो ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखी है, बेसिकली दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। और जिस दिन ये मेरी सारी स्टिक्स ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन मैं अच्छी वाली कोई लिक्विड वाली फाउंडेशन लूँगी। बिकॉज बाय अच्छी आई मीन कि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि विद एज आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई होती जाती है। सो मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, और मुझे ये बहुत अरसे में समझ आया, टीवी पे जब मैंने काम करना कम कर दिया उसके बाद समझ में आया कि अगर वो फेस पे एक ग्लॉस शाइन आ रही है तो इट्स गुड। बिकॉज टीवी पे क्या होता है कि जब आपके फेस पे शाइन आती है ना, स्पेशली नोज पे, या इवन अगर आपने हाइलाइटर भी ज़्यादा लगा दिया तो वो उसको फौरन मैट कर देते हैं कि वो आई डोंट नो लाइक रिफ्लेक्ट ना हो और समथिंग लाइक दैट। सो उस वजह से मुझे हमेशा पाउडरी मेकअप की आदत रही है, विच इज़ नॉट गुड। और वो जब आप ग्रूम होते हैं और अब आप विदाउट टीवी वाली जब चीज़ें करते हो, और अब इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया, तो आपको रियलाइज होता है दैट इट शाइन लाइक योर स्किन्स ओन मॉइस्चर बेसिकली इज गुड। नोज पे आप पैट कर लें थोड़ा सा, बट वैसे इट्स गुड। तो ये जब मेरी फाउंडेशन ख़त्म होंगी तो फिर मैं एक अच्छी लिक्विड फाउंडेशन लूँगी जो कि हाइड्रेटेड रखेगी मेरी स्किन को, और फुल लाइक फिक्सर विक्सर अभी मैंने नहीं लिया। पहले मैं स्टिक्स ख़त्म करूँगी, फिर मैं एक ही साथ वो दोनों चीज़ें। यू वोंट बिलीव मैं ब्लश के लिए क्या कह रही हूँ। ये एक लिपस्टिक है एले गर्ल की, और ये बहुत ग्लॉसी है, और रियाद में बहुत ड्राइनेस है, तो ये इतनी ग्लॉसी लिपस्टिक है कि मैंने ये चीक्स पे लगाई है। अभी मैं इसको सही से ब्लेंड करूँगी, और ये बहुत मज़े का ब्रांड है बाय द वे एले गर्ल। ये आपको विकीज़ से भी मिल सकता है, और एल्योर जो डॉलमेट मॉल पे शॉप है वहाँ से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। एंड इट्स वेरी सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। इट्स सच अ गुड ब्रांड, मुझे लगता है ये बहुत अंडररेटेड है। सो शाइन भी आ गई और मॉइस्चराइज भी हो गए मेरे चीक्स। व्हाट अ हैक। And now we are going out for dinner. आज हम जा रहे हैं स्टेक खाने के लिए। There's a steakhouse called Sultan's. So let's see कि स्टेक कैसा है। थोड़ी सी दूर जगह है,
And by the way, this is Sinomi Mall. I think Nakheel Mall, which is like really big. Riyadh, raat ke time itna khoobsurat lagta hai, lot of lights, so beautiful. In fact, in a lot of ways, jaise hum kehte the na Karachi ko city of lights, so mujhe lagta hai Karachi ki bajaye Riyadh ke liye word hona chahiye city of lights, because raat mein it is lit. We are here. हम जा रहे हैं अभी. The name of the restaurant is Sultan's and आबिद ने कोई इतनी दूर पार्क कराई है. आबिद को तो शौक है दूर पार्क करके वॉक करने का. वॉक करने से स्टेप्स बढ़ती हैं भाइयों. भाइयों और बहनों. So we're just thinking इतने सारे meats मैंने आपको दिखाए कि क्या होना चाहिए. So our friend was asking us कि अच्छा like what do you want? So आप इत what did you say Janu? Drama कम हो और खुराक ज़्यादा हो. Drama कम हो खाना ज़्यादा हो. Okay. खुराक. As much as I love Karachi का खाना. आई थिंक कराची में हमारे लाइक पाकिस्तान में मीट बहुत अच्छी क्वालिटी वाला बहुत मुश्किल से मिलता है. बहुत कम कम जगहों पे मिलता है. सो आज हम सबका मूड था स्टेक खाने का और आबिद ट्रीट दे रहा था. तो हम आए हैं ये सुल्तान्स रेस्टोरेंट पे हैव दिस स्टेक. और अभी मैंने ट्राई नहीं किया. अभी मैंने सिर्फ ऑर्डर किया. आई लेट यू नो गाइस कि कैसा है. एंड बाय द वे सो आई एम अ शेफ. स्टेक चिकन का नहीं होता. दैट्स ग्रिल्ड चिकन. स्टेक में अगर आपने वेल डन खाना है तो आप ना खाएं. एटलीस्ट हैव मीडियम वेल. सो जो स्टेक मुझे पसंद है, मेरा जो फेवरेट टेम्परेचर है स्टेक का वो है मीडियम. एंड जो उस एनिमल के जूसेस हैं वो उसमें रहें. दैट इज़ द ब्यूटी, दैट इज़ द टेस्ट. एंड द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू. सो द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू कि कोई भी चीज़ अगर आप खाएं तो उसको खाने का तरीका आपको पता हो. बेशक आप उसको फॉलो करें ना करें, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. बट एटलीस्ट यू शुड नो कि आप क्या खा रहे हैं और आप जो खा रहे हैं उसको खाने का एग्जैक्टली तरीका क्या है. सो या दैट्स इट. नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई फूड एंड लेट यू नो गाइस के कैसा है. Okay, bon appetit, people. Bon appetit. We put lemon. I think lemon doesn't sound like a good idea. The pepper shaker is so cool. So now we decided that we will eat dessert bahar baith ke khayenge. And this mist, jab wo muh pe aati hai, it's just like Karachi ka jo bahut acha wala mausam hota hai na, aur thodi thodi. Oh, I'm sure you must be seeing it. कि अच्छा वाला कराची का मौसम. इट्स सो गुड, इट्स सो गुड. सो रियाध में आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन आई थिंक फेब तक प्रॉब्ली मौसम बेहतर होता है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर. अप्रैल तक अच्छा था. सो आज हम जाएंगे दैट बुलीवर्ड सिटी. या वर्ल्ड वर्ल्ड या बुलीवर्ड वर्ल्ड. And I'm very excited for it. और आप मुझे और भी बताइएगा कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या देखूँ. डरिया इज डरिया इज अपेरेंटली कुछ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है. हाँ, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है. मेरे आसपास फाइव गाइज है, स्टारबक्स है. एंड इट्स सो गुड टू लुक एट दीज ब्रांड्स
जो हम हमेशा खाने पीने के देख रहे होते हैं, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जब भी मैं कभी ट्रैवल करती हूँ सो आई इंश्योर दैट आई ट्राई एवरीथिंग एंड आई हैव हैड फाइव गाइस, इट वाज नाइस. स्टारबक्स इज ओवररेटेड. मुझे स्टारबक्स से कहीं ज़्यादा टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पसंद है. लाइक व्हाट आई ऑलवेज से, सस्ती, सुंदर एंड टिकाऊ. ओके, आई डोंट नो व्हाट दिस बोरा इज. That's a cute shop. मुझे लगता है मैं दुनिया की पहली ब्लॉगर होंगी जो मैं आपसे पूछी हूँ कि मैं जिस जगह पे आई हूँ उसका नाम बता दो. सही उस जगह का मुझे नाम बता दें तो ये सारी रेस्टोरेंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाती हैं. एंड वी केम फॉर सुल्तान्स, जो कि एक स्टेक हाउस है. स्टेक वाज नाइस, मीट कलेक्शन बहुत अच्छी थी. सो मैं सोच रही हूँ कि अगर किसी दिन मेरा मूड किया तो मैं वहाँ से मीट लेके घर पर हमें स्टेक शायद बनाना ट्रायल एंड एरर करूँ. बट या सो दिस इज़ द एरिया एंड यहाँ पर है, आई जस्ट टेल यू द नेम ऑफ द होटल ताकि मैं भी बाद में गूगल कर लूँ उसको. द नेम इज जरीद होटल, इफ यू कैन सी दैट्स द नेम ऑफ द होटल. एंड मुझे दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज, सिटीज इस तरह की हो जहाँ पर सेफ ना हो ट्रैवल करना. आई ऑलवेज प्रिफर सिटीज एंड कंट्रीज जहाँ सेफ है घूमना फिरना, बिकॉज मुझे हमेशा से इटली जाने का बहुत शौक था. और रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया है कि पिक पॉकेटिंग बहुत ज़्यादा होती है इटली में. सो आई डोंट थिंक आई एम रियली ईगर टू गो देयर नाउ. बट लुक एट दिस मैन, इट्स सो ब्यूटिफुल, आई लव रियाद. अब हम रोज वॉकिंग अपने स्टेप्स पूरे करेंगे, मौसम ऐसा है. अच्छा, रियाद का ट्रैफिक, बाय द वे रियाद का ट्रैफिक इज जस्ट क्रेजी, बिल्कुल कराची की तरह का ट्रैफिक है. ओह, ये देखिए कितना क्यूट है. इस तरह की जो लाइट्स होती है ना, लाइक गोल्ड और पर्पल, उसका मज़ा आई थिंक लाइट देखने में ज़्यादा आता है. कैमरा मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कभी भी जस्टिस कर सकता है, बट यू गॉट एन आइडिया, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है. And I can, this light is this. So ये दोनों दोस्त आगे चल रहे हैं और मैं पीछे चल रही हूँ. And I'm just loving it because मुझे आपसे बात करने का मौका मिल गया. अदरवाइज बहुत सारी जगह पर हम जाते हैं इस तरह और मुझे ब्लॉगिंग का इतना मौका नहीं मिल पाता है. Because all the time we're talking with people, so I'm happy के दो besties यहाँ पे, they are like united. And I am chilling and having a good time with you guys. ये जो mist fans हैं ना guys, उफ, ये देखें. सर्दी create कर सकते हैं गर्मी में ये. It's so nice. मगर ऐसी चीज़ कराची में नहीं चल सकती क्योंकि humidity यहाँ पे, क्योंकि ड्राई मौसम है. I really hope कि आपको मेरी आवाज़ आ रही हो because traffic का पीछे बहुत शोर है. But I'm just trying to shout. नीचे भी देख रही हूँ, आपको भी देख रही हूँ. जस्ट वांट टू मेक श्योर कहीं मैं ट्रिप ना हो जाऊँ, बिकॉज आज मैं चेंज कर रही थी और मैं खड़े खड़े गिर गई. आपने बोला ओ माय गॉड आर यू ओके, और आपने तभी अभी काम से आया, थका हुआ है. खड़े खड़े कोई कैसे गिर सकता है? लाइक मुझे चक्कर वक्कर नहीं आए, बस मैं डिसबैलेंस हो गई. तो ऐसे भी होते हैं लोग मेरे जैसे फ्रेंड्स में. यहाँ हमने पार्क की हुई है. सो मुझे स्टेक में यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट कम लगा, पेपर कम लगा. बट पेपर का जो शेकर था वो बड़ा शशके वाला शेकर था, एज सॉफ्ट कुनाफा. बस वेरी नाइस, कुनाफा खाने का बहुत मज़ा आया. गिल्टी प्लेजर.
खाने के बाद मीठा नहीं है तो क्या मजा है लाइफ का, राइट? आई एम नॉट, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, बट थोड़ा सा मीठा तो खाने के बाद बनता है. इट जस्ट कम्प्लीट्स द होल लाइक एक्सपीरियंस. आई थिंक इट्स कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग ऑल्सो, कि अगर एक चीज़ है लाइक सेवरी आप खा रही हैं तो आपकी ये कंडीशनिंग होगी कि उस ए के बाद जो कि एक सेवरी चीज़ है बी आपको मिलेगा विच इज़ लेट्स से मीठा. तो फिर जाके जो आपका एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीट होगा. सो लेट मी नो इफ यू गाइज वॉन्ट सम मीठा, नीड सम मीठा फॉर योर सेवरी, और यू आर जस्ट ओके विदाउट हैविंग मीठा. सो आस पास इसके देयर इज दिस रेजिडेंशियल एरिया एंड बिल्कुल यहाँ से निकल के वॉक इन डिस्टेंस पे, क्योंकि पूरा टाइम वॉक करके आया, मेरा सांस खुल गया बातें करके के. इट्स ऑल कमर्शियल एंड क्यूट कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स. और अब मैं सोच रही हूँ अरबी सीख लेनी चाहिए. अभी तक मुझे सिर्फ ये आता है कैफा हालू का या बीबी, नॉट या बीबी, हर एक या बीबी नहीं बोल सकती मैं, कैफा हालू का अना भी खैर, और बेनाफिया जब आपने बहुत खाना खा लिया होता है, जब हम कहते हैं ना कि वो वी आर स्टफ्ड आई एम फुल, तो उसको कहना बेनाफिया. और इस तरह के वर्ड्स आते हैं बट लाइक आई कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्जेशन. उस दिन मुझे किसी को हस्बैंड का वर्ड बताना था एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग. आई वॉज लाइक जोजा मीन्स वाइफ बट हस्बैंड का क्या होगा जोज, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू से अ वर्ड जिसका कोई वियर्ड किस्म का मीनिंग हो और मुझे पता ना हो, बिकॉज उस वक्त मैं ऊबर में अकेली थी एंड मुझे कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने थे, तो हमने गूगल ट्रांसलेटर पे बातें की थी. बट कैन यू गाइस टेल मी कि आपने एक नई लैंग्वेज, एक डिफरेंट लैंग्वेज कब सीखी? यूजुअली अर्ली एज में जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो इट्स ऑलवेज वेरी इजी, राइट? बट व्हेन यू ग्रो अप एंड लेट्स से यू आर इन योर 30s, आई डोंट नो उस वक्त आप कितनी स्पीड से सीख सकते हैं कोई लैंग्वेज.